नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे होंगे मैं ये पापड़ के जैसे बना रही हूँ। इनको हम राजस्थान में राबोड़ी कहते हैं। और जब गर्मियों में हमारे पास सब्जियाँ अवेलेबल नहीं होती हरी, तब हम मंगोड़ी, पापड़ और इस तरीके से जो है राबोड़ी की सब्जी बना करके इंजॉय करते हैं। और ये बहुत ही पारंपरिक तरीके से हमने इसको बनाया है और आज आप इसको पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सीखेंगे। तो आइए झटपट से ये मक्का की राबोड़ी बनाना सीखें। राबोड़ी बनाने के लिए मैंने ये 2 लीटर छाछ ली है, फ्रेश छाछ है। और ये छाछ जो होती है जिससे घी निकाल लिया जाता है, गांव में जो घरों में बनाई जाती है वो वाली छाछ हमें यूज़ करनी है। कोशिश करें, डेयरी पर भी मिलती है, लेकिन घर में हम जो दही जमा करके छाछ बनाते हैं उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि उससे मक्खन अलग नहीं होता है। तो इसलिए उस छाछ से हमें जो है फटने का भी डर रहता है राबोड़ी का। तो 2 लीटर मैंने छाछ ले ली और कप से नापते हैं तो 8 से 9 कप मैंने ये छाछ ली है। इसमें मक्के का आटा यूज़ करेंगे जो 250 ग्राम है, और कप से मैंने नापा है तो 2.25 कप ये मक्के का आटा है, बिल्कुल बारीक आटा है, इसको मैंने छान लिया। आटा जब भी यूज़ करें तो आप बारीक ही यूज़ करें। मक्के के आटे से भी कोरा बना सकते हैं, लेकिन कई बार लोगों को जो है शिकायत रहती है कि हमारा जो है राबोड़ी फट गई है या बाइंडिंग अच्छी नहीं हुई। तो इस बाइंडिंग के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून मक्के के आटे के साथ मैदा मिलाएंगे, 2 टेबल स्पून। तो मैदा से जो है ये बिल्कुल फटेगी नहीं और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब इस मक्के के आटे को हम छाछ में घोलेंगे। अगर हम पूरे छाछ में घोलने के लिए सारा आटा डालेंगे तो घोलने में हमें बहुत समय लगेगा। तो इसलिए एक ट्रिक बता रही हूँ कि अलग कटोरे में हमने ले लिया, थोड़ा बड़े साइज़ का बर्तन लेंगे, उसमें आटा निकाल लेंगे और फिर इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, आप अपने स्वादानुसार। वैसे कम ही डालें, ज़्यादा मिर्च डालने से इसका कलर ख़राब हो जाता है। 1 टीस्पून जितनी मैं हल्दी डाल देती हूँ। हल्दी ऑप्शनल है, क्योंकि मेरी जो मक्का है वो पीली है। अगर आपके पास वाइट मक्का है तो आप हल्दी यूज़ कर लें। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून जितनी नमक का यूज़ करूँगी, क्योंकि छाछ में इसका स्वाद बैठेगा इसी हिसाब से। और इसमें हम थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जितनी हींग डाल देंगे, 1 टीस्पून जितना जीरा डाल देंगे। तो छाछ हमने भगोने में लिए, उसी से हम थोड़ी थोड़ी छाछ लेकर के इसको लम्स फ्री एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। इसको इस तरीके से घोलने से लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे और छाछ, बाकी की छाछ में जब इसको घोलेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, बहुत फटाफट ये हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए, हमने इसको अच्छे से इस तरीके से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में घोल लिया है, तो फटाफट घुल करके तैयार हो गया और इसमें कोई लम्स भी नहीं रहे। अब इस छाछ में हम ये घोल डालेंगे और इस तरीके से घोल लेंगे। तो देखिए, सारा आटा, मसाला, जीरा वगैरह सब इसमें अच्छे से मिक्स हो गया और बढ़िया सा ये देखो घुल करके तैयार हुआ, इसमें कोई लम्स भी नहीं रहे। और अब इसको हम गैस पर चढ़ाएंगे। गैस पर हमने चढ़ा दिया है इसे। शुरू में हम इसमें एक उबाला आने तक इसमें तेज आंच रखेंगे, और जैसे उबाला आएगा तो आंच हम कम कर देंगे, क्योंकि छाछ जो है गर्म होते वक्त फट जाती है और हमने नमक भी इसमें डाल ही दिया है तो फटने का भी डर है, और ये मक्की का आटा जो है नीचे जा कर के गाढ़ा होकर नीचे चिपक जाता है और जल जाएगा। तो इसलिए इसको लगातार चला रहे ताकि छाछ हमारी फटे नहीं। और आँच अभी हमने तेज कर रखी है और इसमें एक उबाला आने देते हैं। अब इसमें हल्का हल्का उबाला आने लग गया है, ये देखिए। और उबाला आते ही हमें आँच कम कर देनी है और इसको कम आँच पर ही लगातार हमें पकाना है, क्योंकि मक्के का आटा अगर कच्चा रह गया तो फिर राबोड़ी हमारी फट जाएगी, बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगी और हाथ में कुछ नहीं आएगा। हालांकि इसको तोड़ करके ही बनाया जाता है, लेकिन पीसेस जो है काफ़ी बड़े बड़े किए जाते हैं तब भी सब्जी बनती है। तो मक्के को आटे को पकने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो अब इसको हम लगातार कम आँच पर चलाते हुए 25 से 30 मिनट पकाएंगे। जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन बस ये ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो। और जब ये पकने लगता है तो इससे खुशबू आने लगती है खूब अच्छे से आटे की, जैसे कढ़ी को हम पकाते हैं उसी तरीके से इसको पकाना है, और ये कच्चा नहीं रह जाए इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए हम कम आँच पर इसको लंबे समय तक पकाएंगे। तो इसको बस कम आँच करके अब हम थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाते रहेंगे ताकि आटा नीचे नहीं चिपके। 25 से 30 मिनट तक पका लेते हैं। आधा घंटा हो गया है, आधा पौन घंटा आप पका लें, 1 घंटा पका लें, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको आप लगातार हिलाते रहें ताकि नीचे चिपके नहीं।
थोड़ी देर मैंने इसको इस तरीके से भी ढक दिया, क्योंकि ये जो उछल रहा है तो इसके पकने का ये सिग्नल है कि आपका आटा जब पक जाएगा तो इस तरीके से खदकने लगेगा। तो यही इसकी पहचान है, वरना आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि पक गया है। जब ये पूरी तरीके से पक जाएगा तो खुशबू भी आएगी और इस तरीके से खदकने लगेगा। तो अब हमारा आटा जो है पक कर के तैयार है, और इसकी जो ये देखिए थिकनेस जो है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम इसको ज़्यादा पतला रखेंगे तो राबोड़ी हमारी पतली बनेगी, और ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो मोटी राबोड़ी बनेगी। क्योंकि राबोड़ी को जब हम ग्रेवी में पानी में पकाते हैं तो वो पानी वगैरह पी करके और मोटी हो जाती है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा मोटा इसको नहीं रखते हैं। तो अब हमारा आटा तैयार है, अब हम इसको छत पे लेके चलते हैं। तो देखिए मैंने भगोनी को इस तरीके से ढक रखा है, इसके ऊपर जो है पपड़ी की लेयर नहीं आनी चाहिए, और इसकी जो एक्स्ट्रा भाप है इसको भी हमें हटा देना है, इस तरीके से हिलाना है। तो 1 से 2 मिनट जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, भाप हट जाए इसकी एक्स्ट्रा, तब हम इसको इस प्लास्टिक पर, इस पर कोई तेल वेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इस पर डालना शुरू करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक साइज़ की बनाने के लिए आप चाहें तो पूरे प्लास्टिक पे पूरे भगोने को उडेल करके और किसी चम्मच से फैला भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे पापड़ की स्टाइल में तो ये दिखने में भी अच्छी लगेगी और इजीली बन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से एक एक चम्मच में डालती जाऊँगी पास पास में, और इस तरीके से थोड़ा सा फैला लूँगी, और इसी तरीके से मैं अपनी सारी राबोड़ी फैला लूँगी। देखिए ये सारी राबोड़ी मेरी बन गई है, ये देखिए काफ़ी मात्रा में बनती है ये, और पूरा सीजन भी निकाल लेती है ये, बस बारिश से पहले इसको ख़त्म करना रहता है। और अब इसको मैं धूप में सूखने दूँगी, क्योंकि अभी गर्मी है, काफ़ी तीखी धूप है, तो एक दिन में सूख जाती है, लेकिन हम इसको कम से कम 2 या 3 दिन धूप में देंगे और ये हल्की सी सूखने लगेगी, तब मैं इसको पलट ले लूँगी, और जब ये पूरी तरह से सूखेगी तब मैं आपको वापस बताऊँगी। तो इनको हम सूखने देते हैं। तो देखिए 2 से 3 दिन मैंने अच्छे से धूप दे दी है, राबोड़ी जो है हमारी बनकर के तैयार है, कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। और देखिए थोड़ा बहुत जो कट्स होते हैं ये नेचर होती है मक्के के आटे की, तो अगर इस तरीके के कट भी लग जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इसको चूरा करके डालना रहता है। और देखिए अच्छे से पकता है तो कम ही फटते हैं ये। तो इस तरीके से आप भी एक बार इस राबड़ी को बना करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।